और इधर कांग्रेस की बात, अमेठी की बात। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 2 दिन के दौरे पर हैं, लेकिन दौरे के पहले ही दिन जो तस्वीरें सामने आई वो ये बताने के लिए काफी हैं कि अमेठी में कांग्रेस संगठन में ऑल इज वेल के हालात तो कतई नहीं है। राहुल गांधी के सामने ही कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई, हालांकि राहुल इस पर कुछ बोले नहीं। राहुल के निशाने पर तो यहां भी प्रधानमंत्री मोदी ही रहे। सरेआम मारपीट का ये नजारा अमेठी का है। मारपीट करने वाले कोई आम लोग नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। 2 दिन के दौरे पर अमेठी पहुंचे राहुल गांधी के सामने ही आज कांग्रेस के 2 गुट आपस में भिड़ गए। घटना अमेठी के सलोन गांव की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, खासतौर पर जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, ब्लॉक पंचायत सदस्य जो नव निर्वाचित हैं उनकी बैठक ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उनसे भेंट मुलाकात करने के लिए आपस में ही भीड़ पड़े इस कदर की एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे, कुछ को चोट भी आई और इस तरह की स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो गई। इस पर पुलिस को बाद में भी बचाव करके स्थिति संभालनी पड़ी। जहाँ कार्यकर्ता राहुल गांधी की मौजूदगी में भिड़ गए, एक ने दूसरे पर ईंट से हमला कर दिया। इसके बाद मारपीट शुरू हो गई जिसका कांग्रेसी नेताओं ने बीच बचाव किया। जिस कार्यकर्ता ने ईंट से हमला किया वो कुछ देर पहले राहुल के साथ स्टेज पर ही खड़ा था। अरे नेता जी के लड़के बकवास कर रहे थे, वही हम बीच को छुड़ाने पहुंचे, हमें मारने लगे। कांग्रेस पार्टी के थे? कांग्रेस पार्टी। क्या नाम था? नाम तो नहीं जानता। इन सब के बीच राहुल गांधी ने अमेठी और रायबरेली में जीते नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों और न्याय पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक की और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। इससे पहले अमेठी के बहादुरपुर गांव में राहुल ने गांव वालों की परेशानियां सुनी। इस मौके पर राहुल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आपको याद होगा मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन आ गए सर। अगर गरीब लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे छोटे व्यापारी लोगों की सरकार नहीं चल रही और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और इनको हम हराएंगे। राहुल गांधी गुरुवार को मुंशीगंज गेस्ट हाउस में कांग्रेसी नेताओं से मिलेंगे और संगठन के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। गुरुवार को राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के कई गांवों का दौरा भी करेंगे। अमेठी से अवनीश विद्यार्थी, इंडिया 24/7। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस समेत तमाम दल मिशन 2017 की तैयारी में अब जुट गए हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूपी में बिहार जैसा महागठबंधन बन पाएगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में महागठबंधन की शानदार जीत के बाद अब जेडीयू यूपी में इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी विरोधियों को साथ लाने की कवायद शुरू हो गई है और इस बारे में जेडीयू की बातचीत हुई है आरएलडी के मुखिया अजीत चौधरी से। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने भी इंडिया 24/7 से खास बातचीत में यह कहा कि यूपी में महागठबंधन की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं, बड़े दलों को इसके लिए पहल करनी चाहिए। और वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी इंडिया 24/7 से बातचीत में यह कहा कि वैसे तो कांग्रेस यूपी में अकेले लड़ना चाहती है, लेकिन अगर नीतीश कुमार पहल करें तो कांग्रेस महागठबंधन को लेकर बातचीत कर सकती है। जबकि आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि हम स्वाभाविक वैचारिक गठबंधन चाहते हैं, वैचारिक गोलबंदी के लिए आरजेडी तैयार है। देखिए अजीत सिंह जी खुद कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं और बिहार में हम भी कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ गठबंधन में हैं, लिहाजा कोई वैचारिक दूरी अब बची है मुझे ऐसा नहीं लगता। सर यूपी में जो 2 बड़ी ताकतें हैं वर्तमान में तो समाजवादी पार्टी सरकार है उनकी, उसको शामिल करने का इरादा आप लोगों का फिलहाल है या नहीं? नहीं, जो बड़े दल हैं पहल उनको करनी चाहिए। अगर बसपा सपा में से एक चुनना होगा तो किसको चुनेंगे आप? नहीं, अभी हमारे सामने दोनों बड़े दलों में से किसी भी दल का ना कोई निमंत्रण है और ना कोई इशारा है। अगर कोई गठबंधन का वो प्रयास करते हैं, नीतीश जी बहुत ही सुलझे हुए, अभी हम बिहार में उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने शुरुआत की है, अच्छी बात है। जहां तक कांग्रेस का सवाल, कांग्रेस अभी अकेले लड़ने का इरादा रखती है। जब कभी नीतीश जी की बात हमारे नेतृत्व से होगी तब इस बारे में विस्तार से बात। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का गठबंधन, इस तरह का स्वाभाविक वैचारिक गठबंधन हर राज्य में बने ताकि एक जो फांसीवादी रुझान है केंद्र की सत्ता का और उनकी जो वैचारिकता है जो कि बहुत संकीर्ण है,
उस संकीर्ण वैचारिकता के खिलाफ एक व्यापक गोलबंदी हो, यह हम हमेशा से कहते रहे। तो आपने देखा कि जेडीयू यूपी में कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश निरंजन भैया ने इलाहाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक के बाद इस बात का खुलासा किया है। बिहार की तर्ज पर यह चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा जाएगा। यहाँ जहाँ हम चुनाव लड़ सकते हैं उन सीटों को चिन्हित किया जाएगा और जिन दलों से हमारा गठबंधन हो सकता है उनसे बातचीत की जाएगी। फिलहाल अभी कांग्रेस और नेशनल लोकदल से बात चल रही है, उसके बाद इसको और भी व्यापक स्वरूप दिया जाएगा। तो महागठबंधन मतलब बहुत सारे दल एक साथ, बाकी दल क्या कहते हैं इस पर जो प्रयास अभी शुरू किया गया है, ये आपको बताएं। जेडीयू बिहार के बाद अब यूपी में महागठबंधन का फॉर्मूला दोहराना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी का यह साफ कहना है कि यूपी में वो किसी महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। बिहार की परिस्थितियां दूसरी थी। बिहार में पहले नीतीश जी बीजेपी के समर्थन से थे, उसके बाद लालू जी के समर्थन से बने मुख्यमंत्री, और स्वाभाविक है जब वो समर्थन से बन रहे थे चुनाव के समय उन्हें सहयोगी साथी की जरूरत थी, लालू जी के रूप में उन्हें एक साथी मिले जिसकी वजह से वो सरकार बनाने में सफल हुए, ये सच है। लेकिन उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं। समाजवादियों को जरूरत नहीं किसी गठबंधन अथवा महागठबंधन की। समाजवादी लोग अपनी नीतियों पर, अपने कार्यक्रमों पर, अपनी उपलब्धियों पर, अपने नेतृत्व पर जनता के बीच जाएंगे, और विश्वास है कि पहले से भी बड़ा समर्थन उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों को फिर से देगी। लेकिन उधर कुछ और प्रयास हो रहे हैं, राजनीतिक प्रयास। आपको बताएं यूपी में मिशन 2017 के लिए जहां पुरानी पार्टियों ने कमर कस ली है, वहीं नई पार्टी भी अपने लिए सियासी जमीन तलाशने में जुट गई है। किसान नेता वीएम सिंह ने नई राष्ट्रीय किसान मजदूर पार्टी बनाने का ऐलान किया। वीएम सिंह ने कहा कि एक महीने के भीतर पार्टी बनाने के बाद वो गांव गांव जाकर किसानों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, दिल्ली में किसानों की बड़ी रैली करेंगे। साथ ही वीएम सिंह ने आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह पर किसानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए निशाना भी साधा। और इन सब के बीच संसद का शीतकालीन सत्र आज खत्म हो गया, लेकिन राज्यसभा की भूमिका पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने भी आज गंभीर सवाल उठाए। वेंकैया नायडू ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए यह कहा कि आज लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग दिशा में जा रही हैं, जिसे देखकर देशवासी चिंतित हैं। वेंकैया ने कहा कि आज लोगों के बीच इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि राज्यसभा में क्या किया जाए। वेंकैया ने कहा कि ये उनका मत नहीं बल्कि लोग खुद इस पर अपना ओपिनियन दे रहे हैं। Rajyasabha and Lok Sabha are pulling in different directions, which is a matter of serious concern. ये बहुत गंभीर मामला है। लोकसभा चल रहे, राज्यसभा चल नहीं पाए। देशवासी इस विषय में बहुत चिंतित है और देश में चर्चा भी हो रही है, क्या हो रहा है राज्यसभा को, क्या करना राज्यसभा के बारे में, ये भी चर्चा चल रही है। कुछ लोगों ने अपना ओपिनियन भी बताया, रीडिफाइन द रोल ऑफ राज्यसभा। मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, अगर देश भर में जो चर्चा चल रही उस चर्चा को इसके कारण से और बल मिल रही। और इसके साथ ही राम मंदिर के मुद्दे पर वेंकैया नायडू ने यह कहा कि सभी देशवासी ये चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बने। आप बताए ना, आप चाहते नहीं चाहते, कोई विषय है क्या? पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर मंदिर चाहते नहीं चाहते, वो कोई विषय होता है क्या? पब्लिक इश्यू, सबके सभी देशवासी राम मंदिर चाहते हैं इस देश में, कहां कैसा वो विषय ऐसा है, कहां कैसा कब। एक बार फिर इंडिया 24/7 की खबर का असर हुआ है। हाल ही में हमने ये दिखाया था कि बुंदेलखंड के ललितपुर के कुछ इलाकों में लोग घास की रोटियां खाने पर मजबूर हैं। इसके बाद वाराणसी में अनाज बैंक के अधिकारी मदद के लिए आगे आए हैं। अनाज बैंक के सदस्य ललितपुर और महोबा के इन गांव में अनाज वितरण करेंगे और वहां अनाज बैंक की शाखाएं भी खोलने का फैसला किया गया है, जिसके लिए अनाज बैंक वहां अपने पदाधिकारियों को नियुक्त करेगा। तो आपको बताएं कि इंडिया 24/7 ने यह खबर दिखाई थी कि ललितपुर इलाके में सहरिया जनजाति के लोग गरीबी के चलते जंगली फल और घास खाने को मजबूर हैं। जंगली फलों पर निर्भर रहने वाले इन आदिवासियों का निवाला सूखे ने छीन लिया है और इस वजह से अब ये घास की रोटी खाने को विवश है। इस तरह के भोजन में न्यूरोटॉक्सिन फल होते हैं।
जिसका सीधा असर दिमाग पर होता है, जिसे खाने वाले लोगों के लीवर भी खराब हो सकते हैं। और प्रदूषण की बात एक बार फिर, नोएडा की आबोहवा को दमघोटू धुएं से बचाने के लिए प्रशासन ने कड़े नियम बनाने का फैसला किया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स में बाजार, फैक्ट्रियां, इन सब को अलग अलग दिन बंद रखा जाएगा। 1 मार्च से नोएडा में नई एसयूवी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी बंद करने का फैसला लिया गया है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए वर्चुअल अटेंडेंस का फॉर्मूला भी सुझाया गया है। देखिए रिपोर्ट। आसमान में जहर घुलता जा रहा है, गाड़ियों से निकलने वाला दमघोटू धुआं सांसों पर भारी पड़ता जा रहा है। दिल्ली में 1 जनवरी से गाड़ियों का ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने वाला है। दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में नोएडा में प्रशासन ने प्रदूषण रोकने के लिए कमर कस ली है। बाजारों, सड़कों पर दबाव कम करने के लिए नए कड़े नियम लागू करने की तैयारी है। 1 मार्च से लागू होने वाले नए नियमों के तहत नोएडा के बाजारों, फैक्ट्रियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अलग अलग दिन बंद रखा जाएगा। अलग अलग सेक्टरों में मार्केट बंद रखने के दिन भी अलग अलग होंगे। नोएडा के सभी मॉल दिन में 12 बजे के बाद ही खुलेंगे। उसके लिए सारे स्टेक होल्डर्स जो नगर के हैं उनसे सबसे बात करके एक कंप्रेहेंसिव प्लान तैयार किया गया है, जिसमें जो सिर्फ रविवार को इंडस्ट्रीज बंद होती थी और सिर्फ मंगलवार को व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होते थे, उनको हम 7 डेज में स्टैगर कर रहे हैं। अलग अलग दिनों में अलग अलग सेक्टर और बाजार बंद होंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में IT कंपनियों में सबसे व्यस्त समय में कर्मचारियों का दबाव कम करना भी नए नियमों में शामिल है। साथ ही एक ही सड़क पर पढ़ने वाले स्कूलों के खुलने और छुट्टी के टाइम को भी मैनेज करने की तैयारी है। 1 मार्च से जिले में डीजल टैक्सी चलाने पर भी रोक लगाने की तैयारी है। इसके साथ साथ नोएडा में अब नई SUV गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बंद करने का फैसला लिया गया है। 1 मार्च 2016 से कोई भी डीजल टैक्सी, डीजल कैब नहीं चलेगा नोएडा में, और 1 जनवरी से किसी को फिटनेस नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट, RTO को निर्देश दिया जा चुका है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार के साथ साथ देश के कई बड़े संस्थान भी काम कर रहे हैं। काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज यानी NISTEDS ने मिलकर प्रदूषण कम करने के लिए वर्चुअल अटेंडेंस का फॉर्मूला सुझाया है। इसके तहत स्कूलों और ऑफिस में हफ्ते में 2+1+2 का अटेंडेंस सिस्टम लागू करने का सुझाव है, यानी सोमवार, मंगलवार आम दिनों की तरह स्कूलों, ऑफिसों में अटेंडेंस हो, लेकिन बुधवार को स्कूलों और ऑफिसों में वर्चुअल अटेंडेंस का फॉर्मूला लागू किया जाए, यानी बुधवार के दिन स्कूल ऑफिस बंद रहें और लोग घरों में काम करें। अगले दिन यानी गुरुवार को घर में किए गए काम की जांच हो, इसके बाद गुरुवार और शुक्रवार वर्किंग डे हो, और फिर शनिवार और रविवार को आम दिनों की तरह छुट्टी। जानकारों का मानना है कि 2+1+2 के फॉर्मूले से सड़कों पर गाड़ियों का दबाव कम होगा, स्कूलों, ऑफिसों में बिजली की बचत होगी, खर्चे में भी कटौती आएगी। देखिए, फॉर्मूला तो बहुत सहज है। हम ये बस कह रहे हैं कि जैसे कि सप्ताह का दिन बढ़ते जाता रहा है सोमवार से मंगलवार से, तो प्रदूषण बढ़ते जाते रहे, तो हम लोग कह रहे हैं कि बीच में एक दिन लोगों को और स्टूडेंट्स को, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक साथ घर से काम करने का अवसर दिया जाए, घर पे काम करने का, और नेक्स्ट डे जो थर्सडे होता है वो काम का रिपोर्ट सबमिट करे। इसी से आपको एक दिन स्कूल, ऑफिस और उनके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कमती हो जाएगा सभी नंबर प्लेट का। CSIR और NISTEDS को भरोसा है कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये फॉर्मूला दिल्ली सरकार के गाड़ियों के ऑड इवन के फॉर्मूले से ज्यादा कारगर साबित होगा। बहरहाल, दिल्ली हो या नोएडा, जरूरत प्रदूषण को रोकने के लिए प्रैक्टिकल नियमों को लागू करने के साथ साथ खुद लोगों के जागरूक होने और आगे बढ़कर सहयोग करने की है। नोएडा से अमित चौधरी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, इंडिया 24/7।